नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक परफेक्ट पुशअप्स हम कैसे लगा सकते हैं। अगर आपने आज तक कभी पुशअप्स ट्राई नहीं किए और आप पुशअप लगाना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पुशअप्स की इंफॉर्मेशन दूंगा। बिगनिंग से हम एडवांस पुशअप्स कैसे लगा सकते हैं। तो पुशअप्स हमें सबसे पहले वॉल पुशअप से स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो मैं वॉल पुशअप्स आपको लगा के दिखाता हूँ। तो वॉल पुशअप्स लगाने के लिए हमें चाहिए एक वॉल। वॉल पे हम थोड़ी सी दूर बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स रख के खड़े होंगे और हमारी बॉडी स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली स्ट्रेट होनी चाहिए और हमारा स्कैपुला प्रॉपर स्ट्रेट होना चाहिए और हाथ हम थोड़े से डाउन रखेंगे और देन बॉडी को आगे देन बैक, आगे देन बैक, आगे बॉडी पुश देन आगे बॉडी पुश। पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बॉडी को इसमें प्रॉपरली स्ट्रेट रखना है। जब हम ये पुशअप्स 20 से लेकर 40 पुशअप्स वन टाइम में लगाने लग जाएंगे तब हम लगाएंगे बॉक्स असिस्टेड पुशअप्स। असिस्टेड के लिए हमें चाहिए एक बॉक्स, 2 या 3 फीट का बॉक्स हो। तो उस पर हमने एक पर्म को प्रॉपरली स्ट्रेट रखना है, देन बॉडी को प्रॉपरली स्ट्रेट, बॉडी बैंड नहीं होनी चाहिए, ग्लूट्स बैंड नहीं होने चाहिए, अप नहीं होने चाहिए, बॉडी को प्रॉपरली स्ट्रेट रखना है और जिस शोल्डर्स और आर्म्स प्रॉपरली स्ट्रेट होने चाहिए, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो बॉडी में। देन खड़े होके सामने देखना, स्कैपुला प्रॉपरली स्ट्रेट, देन डाउन बॉडी पुश, डाउन बॉडी पुश, डाउन बॉडी पुश। अगर आप बॉक्स असिस्टेड पुशअप्स बॉक्स हाई बॉक्स पे आप प्रॉपरली ट्रेंड हो जाते हो, आप एक टाइम में 15 से लेके 20 पुशअप्स लगाने लग जाते हो, तब आप इससे कम हाइट का बॉक्स लो, आपने पुशअप्स लगाने की ट्राई करनी है। उसके लिए आप बार का भी यूज़ कर सकते हो, आप स्मॉल बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो। बार पे भी वैसी बार को हम इसको इंक्लाइन पुशअप्स भी बोलते हैं और बार पुशअप्स भी बोलते हैं। बार पे प्रॉपरली स्ट्रेट बॉडी रखनी है, देन एल्बोज को बैक बेंड, बॉडी डाउन पुश अप, डाउन अप। बॉडी आपकी प्रॉपरली स्ट्रेट होनी चाहिए। इसमें भी आपको कई लोग लगा ऐसे भी लगा रहे होते हैं, ये गलत है फॉर्म। आपकी जो बार है वो लोअर चेस्ट को टच होनी चाहिए और बॉडी प्रॉपरली स्ट्रेट, डाउन अप। अगर आप हाई बार पे आप प्रॉपरली पुशअप्स लगाने लग जाते हो, देन आपको लोअर बार पे आपको पुशअप्स लगाने की ट्राई करनी चाहिए, डाउन अप, डाउन अप। कई लोग पुशअप्स लगाते टाइम अपनी एल्बोज को बाहर ले जाते हैं, देन वो बिल्कुल गलत तरीका है, उससे आपको शोल्डर की इंजरी आ सकती है। आपको अपनी बॉडी से एल्बो 0 से लेके 40 डिग्री के बीच में रखनी है, वो देन सही फॉर्म, डाउन अप। अगर आप बार पे प्रॉपरली पुशअप्स लगाने लग जाते हो, देन आपने ट्राई करना है ग्राउंड पे नी पुशअप्स। नी पुशअप्स में हम नीज को ग्राउंड पे रखेंगे, बॉडी को प्रॉपरली स्ट्रेट, आगे नहीं बेंड करना, ऊपर नहीं करना और माइंड में प्रॉपरली सोचना है बॉडी स्ट्रेट है या नहीं, और अपने आर्म्स को प्रॉपरली स्ट्रेट और अप, डाउन अप। इसकी आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये लगाने में भी अभी प्रॉब्लम हो रही है, देन आपने फिर से बॉक्स असिस्टेड पुशअप्स की प्रैक्टिस करनी है। आपने सबसे पहले एक पुशअप्स लगा के देखना, फिर रेस्ट, देन फिर 2 पुशअप्स लगा के देखने हैं, फिर रेस्ट, फिर 3, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जितने आप पुशअप्स लगाते जाओगे आप पुशअप्स में मास्टर होते रहोगे। और पुशअप एक बेसिक एक्सरसाइज है जिससे आपके ट्राइसेप्स, शोल्डर और चेस्ट और कोर प्रॉपरली ट्रेन होती है। पुशअप्स आपको अपने वर्कआउट शेड्यूल में ज़रूर ऐड करने चाहिए, ये एक बेटर एक्सरसाइज है पुश मसल्स को प्रॉपरली ट्रेन करने के लिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला,
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।